और तो सब देव है। हमारे भोले बाबा महादेव, हर नामों के अलग अलग अर्थ है। वैसे तो अनेक नाम है हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं, 12 नाम, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग है और 12 दिन के नामों की चर्चा हम करेंगे। भगवान का एक नाम है शिव, शिव का अर्थ है कल्याण, जहां जाने से सब कुछ मंगल होने लगे। एक सिर्फ यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल है, भेष भी मंगल, नाम भी मंगल, और काशी में मरने वाला भी मंगल। अद्भुत, एक यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल। बताओ, मृत्यु भी कोई मांगता है, पर मृत्यु मांगता भी है तो काशी में मांगता है, शिव की शरण में, क्योंकि इनका सब कुछ मंगल है। तो शिव का अर्थ कल्याण। दूसरा नाम है भोले, कहते हैं भोले भोले बाबा, ये तो भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? है ही है भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो सकल दिखावे ना दिखावे, धन्य है भोले बाबा। तुम कछु दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक बिल्ल पत्र चढ़ा दो, सोई प्रकट हो जा, उतने भर में ही जय जय। ऐसे भोले बड़े बड़े देवता, शायद तुम ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। अरे शिव जी की भोलेपन की, भोले नाम की चर्चा चली तो भोले की कहना क्या। एक एक एक, एक राक्षस ने भगवान की तपस्या की, भोले बाबा बोले वरदान मांगो। बोलो सरकार, हम जिसके ऊपर हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान। शिव जी बोले तथास्तु, क्या आशीर्वाद, कोई विचार नहीं, तथास्तु। जब तक नारद जी ने कान भर दे, बोले हैं जिनको वरदान है ट्राई कर ले, नकली तो नहीं मिलेगा, ये हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते। तो भस्मासुर बोलो ट्राई की पे करें, बोले जिसका वरदान उस पे। बात भी सही है, बात भी एकदम उचित है। अब भस्मासुर बोलो तब भोले बाबा रुक जाओ, भोले बाबा बोले क्यों, बोले ट्राई तो कर ले। भोले बाबा बोले ये धर देने भस्म हो जाए, भोले बाबा आगे आगे लगाई दौड़, भस्मासुर पीछे पीछे। किसी ने पूछा कहां भग रहे, भोले बाबा बोले वरदान दो सू से हम भग रहे। वरदान किसने, बोले हम ही, परायों को देना है। काय का वरदान दिया, भस्म होने, आप लगे पुकारने भगवान श्री हरि को, बचाओ बचाओ, अब तो आप ही। राखो लाजे हमारे गिरधारे, भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बेर भूल हो गई, बचाओ, अब ना हुई है, अब हम वरदान देंगे, आप आओ तो जल्द। श्री जगह वर्णन आया, भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर आए, पटुक बनकर आए। हे भैया कहां जा रहे, भस्मासुर बोले दिखा नहीं रहे, भोले बाबा के पीछे जा रहे, काय को जा रहे, वरदान दिया है जिसके ऊपर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा, ट्राई करवे जा रहे कि भस्म हो रहो कि नहीं। किसके पीछे, शंकर जी, जिसका वरदान उसी के पीछे। अरे कहां पड़े हो, वो तो हमेशा तथास्तु भांग के नशे में वो कुछ भी बोलते रहते, ऐसे ही है भूतों प्रेतों के संग रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं। तो फिर हम कैसे माने कि वरदान असली है कि नकली। एक काम करो, अपना हाथ लो सिर के ऊपर करो, हैं हम पागल थोड़ी है। अरे रखो रखो रखो, रखने की बात नहीं कह रहे, सिर के ऊपर रखो, अगर गर्म लगे शरीर में, गर्माहट आए तो समझ जाइए वरदान असली, और अगर गर्मी ना शरीर में आए तो समझना नकली, क्योंकि जब जो कोई भस्म करने वाला वरदान होगा वो दूर से ही कैच करेगा। हाँ ये ठीक है, भगवान विष्णु वो भी मोहिनी बातें। हाँ अब तुमने बढ़िया बात बताई, अगर वरदान असली होगा तो सिर के ऊपर रखते ही गर्म लगेगा। अब उन्हें हाथ उठाओ, जैसे ही ऊपर करो, भगवान विष्णु बोले काय गरम लग रहा हो, नहीं अबे तो नहीं लग, और नीचे कर, अब लग रहा हो, नहीं अबे भी नहीं, ठार नहीं आ रही, नहीं तपन नहीं हो रही, धुआं सो नहीं लग रहा, नहीं नहीं थोड़ा और नीचे करो, उसने और नीचे की। अब भगवान बोले अब लग रहा होगा ना, नहीं अब भी नहीं लग रहा, नकली तो नहीं है। अरे फेर ले मुड़ पे हाथ, नकली वरदान दे रहा, कहां पड़ो, बोले ऐसे ही तथास्तु कहते रहते, उन्हें ज्ञान ज्ञान थोड़ी है, फेर लो मुड़ पे हाथ। और जैसे ही मुड़ पे हाथ फेरो सोई हो गो स्वाहा, भगवान शंकर जी दौड़े चले आए, जय हो प्रभु आपकी। ये भोले बाबा का नाम भोले है, इसलिए भोले हैं, भगवान श्री हरि ने बचाए। तो बाबा का दूसरा नाम भोले, 12 नामों में। अब तीसरा नाम उठाइए, आहा हा, बाबा का तीसरा नाम है महादेव। महादेव क्यों है, क्योंकि ये देवों के देव है। अच्छा देवों के देव कैसे बन गए, जरा इस पर गौर कीजिए। आहा हा,
जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें भोले बाबा स्वीकार करते। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्या हुआ? सांप बोलो नाग महाराज, हमको कोई भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है, तो क्या करें? आप ही कोई उपाय करो, चिंता मत करो, इधर आओ। नाग लिया, गले में डाल लिया, आज से तुम हमारे आभूषण हो, हमारी भी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा। बीछी ली, बिच्छू क्या हुआ? महाराज हमारा तो डंका ही तोड़ देता है। हाँ चिंता मत करो, उठाया कान में लगा लिया, आज से तुम हमारे कुंडल हो, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा। भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा हमारी तो बड़ी दुर्दशा, क्या हुआ? कोई पूछता ही नहीं, किसी के घर में घुस जाओ तो ओझा तांत्रिक जादू टोना वाले बुला के छूछा करवा के बोतल में बंद करवा कर गड़वा देते हैं, और कहीं बागेश्वर धाम में फंस जाओ तो मार चमीटा लाल करके लटकवा देते हैं। हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। अच्छा अच्छा घबराओ मत, शांत हो जाओ। बाबा बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आज से तुम सब हमारे रिश्तेदार बन जाओ। बाबा ने रिश्तेदार प्रेतों को बना दिया। धतूरा का फल पहुंचा। बाबा हम तो बड़े हैरान, क्यों? सब देवताओं ने अपने अपने पुष्प ले लिए, किसी को गुलाब का पुष्प प्रिय है, किसी को मदार का पुष्प प्रिय है, किसी को मोगरा का पुष्प प्रिय है, हमें कोई नहीं पूछता क्योंकि हमारे फल में और पुष्प में दोनों में जहर है। अच्छा घबराओ मत, आज से तुम ही हमारे प्रिय फल हो, तुम ही हमारे प्रिय पुष्प रहोगे, इसलिए इनका नाम महादेव है, इसीलिए तो हरा हरा। चौथा नाम लिया हमने शंकर। शंकर नाम क्यों लिया, ये बड़ा रहस्य है इसमें। हाँ शंकर का मतलब, शंकर का अर्थ है मिला हुआ, और भोले बाबा में मिश्रित है इसलिए परिपूर्ण है। ये क्या मिला है? आधी नारी है आधे नर है, इसलिए अर्ध नारेश्वर है, दोनों मिश्रित हैं, और इसी से सृष्टि और बाबा पूर्ण है, इसलिए बाबा का एक नाम शंकर है। पांचवा नाम लिया पंचानन। एक बाबा को कहते एकानन चतुरान पंचानन। पंचानन, पंचानन का अर्थ क्या होता? पांच मुख, जिनके पांच मुख हो वो पंचानन है, और भोले बाबा के पांच मुख हैं, इसलिए बाबा को कहते हैं पंचानन। छठवां नाम बाबा का है हमने जो लिया वो रुद्र है। रुद्र कहते ना रुद्र भगवान की, रुद्र का अर्थ क्या होता? रोने वाला, जो रोने वाले को भी जिनकी शरण में जाकर के मुस्कुराहट आ जाए उन्हीं का नाम भगवान रुद्र है। भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है, क्या करने लगता है? जोर से बोलो, हंसने लगता है, इसलिए बाबा का हमने छठवां नाम लिया रुद्र। अब जरा सातवां नाम सुनिए पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का अर्थ क्या होता है? जीव, पशु जीव, बैल सिंह हाथी आदि आदि जितने सृष्टि पर जीव हैं, इनके कोई स्वामी हैं तो वो भोले बाबा हैं, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ भी है। ये सातवीं बात थी। अब जरा आठवां नाम सुनिए महेश्वरा। एक नाम सब लोग कहते हैं महेश्वर है ये। महेश्वर का अर्थ क्या होता? महान ईश्वर, जिस ईश्वर के समान कोई दूजा ईश्वर नहीं है, इसलिए इनका नाम महेश्वर है। अब जरा नौवां नाम सुनिए। नौवां नाम हमने नवम नाम लिया है महाकाल। महाकाल का अर्थ जो कालों के भी काल है उनका नाम महाकाल है। अरे काल जिनके आभूषण है, कालों के काल छोड़ो, जरा सुनो एक नई अर्थ की व्याख्या सुनो। काल जिनका आभूषण, काल यानी समय, काल यानी नाग, जो नाग और समय का भी आभूषण बनाकर पहनते हैं उन्हीं का नाम महाकाल है। दसवां नाम हमने जो लिया उनका नाम, दसवां नाम है भूतनाथ। क्या कहते ना भूतनाथ, ये भूतों के राजा हैं। भूत प्रीत भोले बाबा के गढ़ हैं, तो बाबा का एक नाम भूतनाथ है, भूतों के राजा हैं। ग्यारहवां नाम जो हमने लिया है आशुतोष, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाना, शीघ्र प्रसन्न हो जाना, ये आशुतोष का अर्थ है। बारहवां नाम भोले बाबा का है विश्वनाथ, जो विश्व के राजा हैं, विश्व जिनके नाम से जीता है, जो विश्व की रक्षा करते, इसलिए काशी में जिनके दर्शन है उनका नाम विश्वनाथ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें सनातन धर्म फैन यूट्यूब चैनल को।